यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को श्रावस्ती के एकौना स्थित जगतजीत इंटर कॉलेज में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित किसान रैली में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद किसानों को संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने एक और जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों पर भी जमकर निशाना साधा। सेना को लेकर के विपक्षी दलों पर डिप्टी सीएम ने जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि सेना पर शक जाहिर करने वाली सरकार चाहिए या सेना का हौसला बढ़ाने वाली सरकार चाहिए। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ में कशीदे पढ़ते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान को ऐसा दर्द दिया कि वह उससे अभी तक उभर नहीं पाया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।